अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है गाइस, वेलकम है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो जो है, आज कतर में ईद है, बकरे ईद। आप सबको तहे दिल से यूट्यूब फैमिली को बकरे ईद मुबारक, ईद मुबारक। और सुबह के बज रहे 3:30, मेरे को नहाना है, नहा दो गया। और फिर उसके बाद में मैं रात में सोया था 2 बजे, बस 1.5 घंटा सो लिया, अलार्म लगा के उठा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो नमाज है ना, सूरज निकलने से पहले ही नमाज ख़त्म कर देते हैं ईद की यहाँ पे। तो इसीलिए 5:01 में जो है नमाज है यहाँ पे, जमात है। तो इसीलिए फटाफट उठा हूँ, सुबह की नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ूंगा। और ईद की नमाज़ होते ही ये लोग जाएंगे 1 घंटा छोड़ के, 7 बजे, 7 या पता नहीं कितने बजे जाएंगे। और उसके बाद में जो ये लोग जाएंगे फैमिलीज को मिलने के लिए, हमको भी जाना पड़ेगा इनको लेके। अगर हम नहीं गए तो ये जाते कैसे? तो ऑब्वियसली हमको जाना पड़ेगा लेके। इतनी गर्मी में पता नहीं अब कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ पे हमसे पानी निकलता है। बस ये वीडियो में देखते रहो। और 2 लोग मुझे दावत दिए हैं, एक अबू हमूर में और यहाँ पे एक भैया ने। 2 लोग पता नहीं यहाँ पे खाते हो या वहाँ पे खाते हो, पता नहीं। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे खाऊंगा, अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे खाऊंगा। जो भी है बताते रहूंगा, बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फटाफट से, क्योंकि मेरा वॉच टाइम जो है, प्लीज़ यार ख़त्म करो भाई, ख़त्म करो बस। इतना बोर हो गया हूँ ना मैं यूट्यूब के तरफ से, मैं तो छोड़ ही दूँ बस। तो ये वीडियो जो आपको मिलेगा कल, कल ईद में मिलेगा शाम को, कल इंडिया में ईद है, इंडिया में कल मिलेगा वीडियो। तो फटाफट शुरू करेंगे और मिलता हूँ, रेडी हो के नमाज वमाज पढ़ के बाद में। चलो इसी धूप में, 38 का टेम्परेचर है लेकिन कम है, लेकिन अंगार उबल रहा है भाई साहब। 10:11 बजने वाला है अभी टाइम। अभी जो है पता है कितने घर हो गए पता है? 1, 2, 3, 4, ये चौथा घर है, ये अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं रात में सोया नहीं हूँ, 2 बजे सोया था, 3:30 बजे उठा, अभी फ्रेश व्रेश होके जैसे कि सुबह बताया था, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने वाली है, अभी तक खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, मेरा मूड जो है बहुत ख़राब हो रहा। और साथ में पसीना तो भाई साहब बहुत छूट रहा है, मैं तो गाड़ी चालू कर करके बैठ रहा हूँ बीच में, पता नहीं अब फिर इधर से किधर आती। अभी मैं रैयान में हूँ, यही है भाई हमारी ईद। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि अरे अरब में पैसे छाप रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, यही है हमारी ईद। आराम से रहो, फैमिली के साथ ईद बनाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो। हमारे क्या नहीं है, बस सूरज निकलने से पहले ईद, ईद की नमाज ख़त्म होती है, उसके बाद में काम पो लगना शुरू होता है। ये नहीं कि छुट्टी है, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं भाई, जो कंपनी में है उन्हीं को है छुट्टी, ड्राइवरों के लिए छुट्टी नहीं है। और फट रही है, फट के हाथ में आ रही है लिटरली। एक तो नींद, ऊपर से भूख, इंसान को पता है कितना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे कि अभी मुझे आ रहा है, मुझे बस ऐसे टाइम पे ना कोई छेड़े ना तो बेहतर है भाई, ऐसी गर्मी में। तो देखेंगे क्या क्या होता है। दोस्त करतियत में भी बिरयानी सेवई बना के दावत दिया है, और यहाँ पे भी अबू हमूर में भी, 14 नंबर एग्जिट में भी मुझे दावत आई है, वहाँ पे भी बिरयानी पता नहीं क्या बनाया है, वहाँ पे भी दावत आई है। देखेंगे कहाँ पे जाने का होता मालूम नहीं, बस घूम रहे उधर से इधर। सबको मिलना है इनको ईद में, सबको ईद ही दे लेता, घूमना है। तो गाइस 11:22 हो रहा है टाइम, मैं अबू हमूर में छोड़ के जा रहा हूँ, बोले के सामान रख के हमको छोड़ के घर जा, एकदम रात में आने का। तो भाई अभी मैं फर्स्ट क्लास खाना खाऊंगा, दोस्त दावत दिया है, ठीक है, बिरयानी बना रहा है, सेवई बना रहा है, जाऊंगा खाऊंगा, फर्स्ट क्लास नींद मारूंगा, उसके बाद में जो है आगे का देखेंगे, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ सीधा दोस्त के रूम पे। या सादिक भैया के घर पे आया था मैं, सादिक भैया है नहीं, बोल रहा है ड्यूटी चले गया है, सेवई पीना है तो रूम में है, जा पी, बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। अब क्या करें भाई, सेवई पी के निकलते हैं और क्या करते हैं, देखेंगे।
का रूम ऐसा है सादिक भाई का रूम। मैं यहाँ अगला बंगाली रहता, वो केरला वाला और ये केरला वाला। ये केरला वाला अभी मुझे सेवाएं लाने के लिए गया अंदर, और मैं जो है सादिक भाई बेड में वेट कर रहा हूँ। सेवाएं देखेंगे कैसी है, पता नहीं इंडिया की याद दिलाती या नहीं दिलाती, पता नहीं क्या क्या रखा है इसने। पेरो लवली हैंडसम बन के जा रहा है इंडिया आजकल। हाँ ये क्या है, वाह वाह, पता नहीं क्या क्या है ये। मेरे मुझे ना सोलूसने की आदत बहुत है भाई। चिप्स चिप्स भी खाता भाई। ये क्या है भाई, ये क्या क्या रखा बात। वो सादिक दा छपा छपा हुआ। भैया ये देखो भैया, सादिक भैया के हाथ का खाना खा रहा हूँ। पूरा मटन दाल दिया और ये सेवई। माशाल्लाह, ये हमारे अंसार भाई है, ये लेगा को दिए मुझे। इंडिया की याद आ गई मुझे अभी। खाओ। मैं अभी चाय पिया, पराठा खाया। अच्छा चलो भाई खा को मिलता हूँ। अब आराम से खाओ। मुझे ना सेवई इतनी अच्छी लगी कि उसको एक गिलास पी के एक गिलास उठा के ले गया आया। मैं बोला मैं रूम पे आराम से पी लूंगा, दे दो मेरे को एक गिलास, तो एक गिलास भी ले गया आया मैं। गिलास में क्या लिख के आई लव, ये देखो इसमें भी थोड़ा सालन पड़ा हुआ है। मैंने कुछ, ओ भाई साहब शोरकोम्बा, ये हार्ट पार्ट के गिलास हम मंगाई जाऊंगे भाई। ये शोरकोम्बा जिसे भी पीना है आ जाओ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सादिक भैया खाना जो है बहुत लजीज बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। वो उसने केरला वाला बोला मेरे को, सादिक भैया बनाया बोल के, मालूम नहीं कौन बनाए। बहुत तेल था भाई, बरला का तेल था। मुझे मालूम नहीं, अगर तेल खाता है तो तेल पसंद है तो तेल डाला होगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद तेल। फिर भी मैं ऊपर ऊपर का खा के, अच्छा गोश्त तो पूरा खाली करके आया। तो अभी ये जो है मैं बात के लिए रखा हूँ, और मिलता हूँ आपको सो के उठ के आराम से बाद में। जैसे कि दोपहर में मैं छोड़ के गया था अबू अमूर में, और जाके खाना वाना खा के सो गया था। फिर शाम में उठा, उठ के गाड़ी वाड़ी साफ़ किया, और साफ करके फिर आया 7:30 बज रहा टाइम। जो अभी दोस्त आया है उससे भी मिलने जाना है, वो आगे रुक गया भाई। ये देखो पहले ही आगे रुक गया, दावत दिया है भाई। मालूम नहीं मस्ती शेविंग वेविंग करा लिया। सलाम वालेकुम, ईद सलाम, ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है यूट्यूबर फैमिली, क्या चल रहा है। एक मिनट परस है मेरे गाड़ी में। क्या भाई साहब को हदिया मालूम नहीं कितना मिला, ईद ईद की खुशी कितना मिला था हदिया। का कफिल, मेरा कफिल मंजे क्या भी नहीं दिया, कफिल का बाबा एक ए झूठ बोलो जी, सौ रिया दिया दिया बोल को बोलो दिया वही दिया झूठ तो बोले, सच बोलेंगे तो दिया। कफिल बोले कफिल का बाबा दिया, हाँ 150 रियाल मिले। हाँ चलो माशाल्लाह, ये सच है भाई, ये झूठ नहीं है, ये सच है। अभी अपन जा रहे हैं, कहाँ है जा रहे हैं, ये चाय वाय पियेंगे। थोड़ा चाय नहीं पिया, मसीर दुख रहा मेरा। मालूम नहीं चाय की लत लग गई मुझे, तलब लग गई। क्या हुआ, कतर में आती है चाय की तलब लग गई मुझे। तलब तलब देखो कोई भी नहीं भाई, सब शांत एरिया, सब घूमने के लिए गए। कोई सफर गया है, कोई कोई कहीं कहीं गया है, मालूम नहीं कहाँ कहाँ गए। शैतानों की तरह ये देखो भाई, कतर की लोकल बस, वाह एसी बस, सुपर बस, इसकी स्पीड बहुत खतरनाक भगाते भाई, ये लोंडे गाड़ी है। हम लोग शैतानों की जैसा भटक रहे थे, हम लोग शैतान की जैसा भटक रहे, सही बोले। क्या भाई साहब, एक बंगाली मार्केट में ले गए आए यहाँ पे, तो भाई पूरे ईद के जो जो बिरयानी सेवई खा खा के जो सोए थे रात को, सब निकले पादा मारने के लिए बाहर, सब सब फ्रेश होने के लिए निकले। अभी उतर के सबको मिलाऊंगा, तुमको सबको पकड़ूंगा। ये देखो गाड़ी कहाँ लगा रही इन्हों, गाड़ी कहाँ लगा रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे। वहां से ले जाना नहीं चाहिए, बहुत दूर रहते मैं पूरा लिख जाओ, वहां कहाँ तो घुसेंगे थे गाड़ी। तो भैया ये होटल जो है हमने कैंसिल करा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, लेकिन जो है सबको पकड़ेंगे अभी। चलो जाओ जी तुम्हें, चलो 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 आगे चलो आगे। सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है,
कुंजू भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक है ठीक है अभी ये देखो भैया, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ भाई साहब, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सलाम अलैकुम। ए उपले उबली बोलने से आ बोल रहा हूँ भाई साहब, ये बंगाली लोग बहुत प्यारे लोग इंसान है भाई, बहुत प्यारे इंसान है, कुछ भी नहीं बोलते है, मजे अपने मजे करते रहते हैं लोग, इनको बस खाना चाहिए, बस इनको स्वीट चावल इतना दो, खाओ मस्त में एंजॉय करके आराम से, जैसे बारिश के मेंढक बाहर पड़ते, पूरे के पूरे बाहर पड़े उधर। इधर कहाँ लेके जा रहे जी, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। जो जो भाई बांग्लादेश से देख रहे हैं भाई, लव फॉर बांग्लादेश बोल के कमेंट्स मारने का। बांग्लादेश अभी मालूम नहीं, इसमें कितने जने देखते बोल, बांग्लादेश के बहुत जने देखते लेकिन कमेंट नहीं करते, उनको हमारी जरा लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उनको शोबोटक हमी तुम्हें को भालू बसे बांग्लादेश शोभ शोभ लोग कमेंट करो, ऐसा बोलना पड़ रहा है। पता नहीं कितना सच करड़ बोला कितना गलत बोला मालूम नहीं। आई लव लैंग्वेज बंगाली। फाइनली केरला के होटल में आए हमें, यहाँ पे इंडियन फूड 10 रियाल 10 रियाल 10 रियाल, और ये जो है ना फेवरेट है भाई, पत्ते में खाते थे अपन शादी में, मैं शादी में खाऊं है। और हमें जो है अभी ऑर्डर करे है अवोकाडो जूस और लेमन। नहीं जी ब्लर आ रहा, यूट्यूबर इनो पे यूट्यूबर है भाई, बहुत शर्म थी यूट्यूब वीडियो बनाने, मालूम नहीं क्यों शर्म थी की। तो भैया ये अवोकाडो ये लेमन, ऐसा नहीं जी ये कब सुधर दें तुम्हें। बोला दूर मार डाले तुम्हें, बीच में मार डाले, बीच में ये ढजिया सही है। तो गाइस आ गया हम रूम पे और मजा आया, दोस्त के साथ में घूमा उधर, और साढ़े दस बजे वहां से निकला, 11 बज रहा है, और आके खाना वाना भी खा लिया और सोने के लिए जा ही रहा था, तो मैं सोचा ब्लॉग को कंप्लीट करना है। ब्लॉग कंप्लीट करने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब व्यूज भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वॉच टाइम जो कम होते जा रहा है, पता नहीं क्यों। अगर इसका किसी के पास अगर आइडिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मेरा एक ही बस एक ही स्टेप बचा हुआ है वॉच टाइम, फटाफट अभी 2000 कम करना है मेरे को, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है भाई। आप लोगों के पास अगर कोई सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो मिलता हूँ, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। और कल इंडिया में, मतलब ये वीडियो मतलब अगर कल देख रहे हैं तो आज, मतलब आज आप सबको ईद मुबारक, और मजे करिए इंडिया में, खुशी रहिए, और हमारे परदेसियों की तो यही ईद है भाई, जैसे सुबह से लेके शाम तक बताया हूँ, यही ईद है हमारी, और कल से फिर फटेगी हमारी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते, तो बने रहना हमारे साथ। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। मिलता हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़।